कुछ अरसा पहला मैं इतो लंघिया, मक्की बढ़ी इन्होंने, मक्की बीजी, कुछ मक्की जे अग लाती, जी मक्की बढ़ी ना वो अग ला दी, टांडे जे लोग चक के लै गया। फिर आह जी मक्की मैं उन्होंने समझाया, मैं क्या भी ये खाद मुखद की खाद बनती है तो तुम इनू क्यों जाया करते हो। उन्हें दसिया पूछे भी खाद किस तरह बनती है, और मैं दसिया एक तै यदी लाओ टांडे की लाओ, एक तै गोबर की लाओ, तो उत्ते वैस्ट डी कंपोजर खर्च छिड़को और तो बेहतरीन थोड़ी खाद बन जाएगी, एक महीने के अंदर अंदर ये तैयार हो जाएगी। तो वो उन्होंने किया फिर टांडे जड़े ने बाकी बचे वो सारे कट्ठे करके रखे, वो इस तरह ही उन्होंने ये बनाना शुरू कर ली। ये हुण दोस्तों ये वीडियो बनाने का मकसद है कि तुम भी जोड़े भी दोस्त मेरी वीडियो देखन ये अपने इस तरह ही ना ये अपने टांडे पराली जो भी है चीज़ा ये कट्ठिया करके ना ये उत्ते थोड़ा जहा गोबर पा दो, गोबर पा के तो यू तुसी उत्ते वैस्ट डी कंपोजर उत्ते छिड़क दियो, चंगी तरह गिला कर दियो ते उत्तों ढक दियो। ये तुसी दो तीन बारी करोगे तो देखना तुसी बिच ये टांडे टूडे बिच ही खुर जाने, ये सारे बेहतरीन थोड़ी खाद तैयार हो जाऊगी। दोस्तों ये तुहानू मुखद दी खाद आ, ये खाद बनाओ अपनी, एक खाद भी नाले ये असल आ, ये भी दो नंबर आ, ये असर खाद बन बनूगी तुहाडे अखां सामने। पैसा बचाओ, जिहड़ा दोस्त इस वैसे पैसे बचाउंदा ना वो अपना चंगी वाही करदा, चंगी वाही वास्ते पैसा बचाउणा जरूरी आ। पैसा बचाओगे तो अच्छी वाही होगी, जिमीदार अच्छा होएगा और अच्छा प्रॉफिट होएगा, परेशानियां खत्म होणगियां। ये दोस्तों ये देखा करो, तुहाडे को 50-50 चीज़ा जिन्नी भी फसल बढ़ते हो वो सारा उदा जिहड़ा वा बकाया जा सारा ही बचदा, वो सारे नूं विच अपना विच पा के उहनूं तुसी इहदी खाद बनाया करो, इहनूं जाया ना करो। एक तो खेत नूं अग लाए खराब हुंदा वा, तो दूसरा वह जमीन भी खराब होंदी, इहदे नाल तुहाडी जमीन पोली होएगी, बिच गडोए पैदा होणगे और ये खाद तुहानूं पाउण दी लोड़ ही नहीं पैणी। दो साल तुसी इस तरह करोगे और बेहतरीन तुसी अपना इहदा रिजल्ट पाओगे। शुक्रिया।